है एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज हम फिर से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट, लेकिन इस बार खेलने वाले माइनक्राफ्ट के अंदर हम लोग खेलने वाले स्काई ब्लॉक। तो तुम लोग याद होगा कुछ दिनों पहले हमने स्टार्ट करी थी नदर गेम स्काई ब्लॉक की सीरीज, और जिसके लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने बनाया था एक आयरन गोलम फार्म जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से वर्क कर रहा है। और आज के एपिसोड में हम लोग बनाने वाले हैं हमारे लिए घर, लेकिन वो बात अलग है कि हम लोग घर बनाने लेकिन ट्राई तो कर सकते हैं यार, कोशिश जारी रहेंगी हमारी और हम लोग कुछ ना कुछ करके हम यहाँ पर घर बनाएंगे, ठीक है। बाकी हम लोग तुम लोग देख सकते हो, बाकी बैंक एंड पर्स मेरे कुछ ज़्यादा यहाँ पर पैसे भरे पड़े हैं, तो तुम लोगों को इसका सीक्रेट बताता हूँ मैं। तो सबसे पहले तुम लोगों को यहाँ पर एक कोई सा भी रेंडम सा आइलैंड ढूंढना है, जिसके आइलैंड के अंदर तुम लोगों को एक एक्सिव फार्म दिया जाएगा। और ये ट्रिक मैंने अभी तक के जो भी 3 एपिसोड डाला उसमें ऑलरेडी बताया हूँ, तो नहीं देखी तो वो भी जाके देख लेना, एपिसोड कुछ ज़्यादा ही अमेजिंग है वो भी एपिसोड। बाकी तुम लोग एक्सपी ढूंढने के बाद तुम लोग यहाँ से करनी है कलेक्ट सारी एक्सपी। तुम लोग देख सकते हो मेरे 18 लेवल है, अब 20 लेवल करके तुम लोगों को आना है अपने घर पे एंड शॉप में जाके तुम लोग बाय करना है शार्ट, ठीक है। शॉप में तुम लोग स्कोर करेंगे, तुम लोग वहाँ पे शार्ट्स का ऑप्शन देखने में मिल जाएगा, तो वहाँ से तुम लोग बाय कर सकते हैं। एंड इसका सिंपली हम लोगों को एएच में मतलब ऑप्शन हाउस में इसको पुट कर देना है। ऑप्शन हाउस में तुरंत यहाँ पर मतलब जितनी तुम्हारी मतलब 2000 पावर है तो तुम लोग इसको 2000 में सेल कर सकते हो। और इसी तरीके से तुम लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पर इतने ज़्यादा पैसे यहाँ पर कमाई कर चुकी है, ठीक है। तो अभी आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि आज का टॉपिक है हमारे लिए एक घर बनाना, जो कि बेहतरीन एंड अच्छा सा घर बनाना, ठीक है। एंड यहाँ देख सकते हो तुम लोग, मैंने यहाँ पर लास्ट एपिसोड में ये जो ग्राउंड वगैरह था वो भी क्लियर यहाँ पर कर दिया था। एंड हाँ, इस वीडियो में मैं तुम लोग देख सकते हैं यहाँ पर सैचुरेशन वगैरह मतलब थोड़ी ग्राफिक वाली तुम लोगों को लुक आ रही होंगी, तो तुम लोग मुझे कमेंट में बताना ये लुक हम लोगों को रहने देनी चाहिए या नहीं फिर, ठीक है। और बाकी ये रहा हमारा आयरन गोलम का फॉर्म, और इसमें देख सकते हो तुम लोग यहाँ पर कुछ ज़्यादा यहाँ पर आयरन वगैरह भर दिए थे। लास्ट एपिसोड में हमने एक ही चेस्ट लगाई थी, लेकिन यहाँ पर मैंने डबल लगा दिया था क्योंकि कुछ ज़्यादा यहाँ पर आयरन गोलम में स्पॉन भी हो रहे थे एंड उसमें कलेक्ट भी हो रहे थे। और ये देख सकते हो एक्स्ट्रा आयरन जो भी यहाँ पर मिल रहा था, तो भाई ये देख सकते हो यहाँ पर पूरी पूरी एक ऊपर वाली चेस्ट यहाँ पर फुल भर चुकी है, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसको सारा सारा बेचते हैं हम, एंड देखते हैं यहाँ पर हमारे पास पैसे कितने जमा होते हैं। बाकी तुम लोग देख सकते हो हमारे पर्स में 1,35,000 तो ऑलरेडी है। बाकी इन्वेंटरी खाली करते हैं, इन सारे को सारे इसको हमारे मतलब जो भी आयरन है उसको सारा सारा कलेक्ट करते हैं एंड उसको सेल करते हैं, देखते हैं उसके बाद हमारे पास पैसे कितने जमा होते हैं। तो फर्स्ट तो भाई इन्वेंटरी फुल हो गए भाई साहब, ऐसे ही सेल करना होगा। तो सबसे पहले तुम लोग इसकी चीट तुम लोगों को बता दोगे मैं स्लैश सेल ऑल, ठीक है। स्लैश सेल जैसे ही ऑल तुम लोगों को चैट में यहाँ पर सर्च करोगे और जैसे यहाँ पर डन के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो पूरा का पूरा इन्वेंट्री में जितना भी तुम्हारा मतलब जो भी बेचने लायक जो भी सामान होगा वो सारा के सारा बिक जाएगा, ठीक है। एंड ये वाली चीज भी तोड़ देते हैं, इसको भी यहाँ पर सेल ऑल कर देंगे एंड ये भी सेल पूरा पूरा हो जाएगा। ओ भाई साहब 82,000 रुपये आ गए भाई साहब, मस्त है, ठीक है। बाकी सारे के सारे आइटम यहाँ पर सेल कर देते हैं एंड मैं सोच रहा हूँ ये हॉपर भी तोड़ ही देते हैं, यहाँ पर हॉपर का भी यहाँ पर कुछ काम नहीं है, इसको भी तोड़ देते हैं। एंड ये वाली चीज भी ऑलमोस्ट फुल होने को आई है तो इसको भी तोड़ेंगे एंड देखते हैं अभी पास कितना पैसा होता है टोटल यहाँ पर। एटलीस्ट हमने नहीं बोले हुई तो 2.5 चेस्ट तो हमने तोड़ ही दिए, ठीक है। 2.5 चेस्ट हमने तोड़ दिया आराम से एंड इसको भी सारा सारा सेल ऑल कर देते। ओके डन भाई, 54,000 तो इससे भी आ गए हमारे पास, ठीक है। एंड ये जो हॉपर एंड चेस्ट है वापस इसको लगा देंगे, वापस भरने के बाद हम लोग फिर एक बार यहाँ पर इसको ब्रेक करके देखेंगे फिर से हम लोग कितना ज़्यादा पैसा मिलता है, ठीक है। ओके तो यहाँ पर ये आयरन वगैरह आ रहा है एंड बाकी ये देख सकते हो तुम लोग 54,000, 82,000, 71,000, 32,000, 79,000, भाई सब फुल कमाई हो गई। तुम लोग देख सकते हो 5,39,000 हो गए हमारे पास एंड हमारे पास बस 1,35,000 थे, ठीक है। तो हमारे पास अक्रॉस 4,00,000, 4.5 लाख तो अपने पास पैसे तो आ गए, ठीक है। एंड बाकी ये जो वाली चेस्ट है इसमें भी यहाँ पर ये फालतू का सामान रख देते हैं एंड अभी चलते हैं हम यहाँ पर हमारे घर बनाने के लिए। लेकिन घर बनाने से पहले तुम लोगों को एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा मैं, जो कि हमें लॉबी में चल के पता चलेंगी। तो तुम लोगों को याद होगा हमारा जो आइसलैंड है उसको एक्सपांड करते हुए एंड उसी के साथ जो हमारा लास्ट एपिसोड में हमने आयरन गोलम का फार्म बनाया था उसको यहाँ पर तोड़ के हमारे पास बहुत सारे की जमा हो गए थे। एंड अरे भाई साहब ये क्या गिली चल रहा है भाई, नेदर गेम अलग ही चालू है, रात दिन कुछ भी हो रहा है भाई। हाँ तो मैं बोल रहा था तुम लोगों को याद होगा लास्ट एपिसोड में हम लोगों को बहुत सारे की मिल गए थे यहाँ पर, जो कि हम लोग यहाँ पर क्रेट्स ओपन करके यहाँ पर थोड़े बहुत इससे भी पैसे कमा सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पर ओट की तो हमारे पास नहीं है,
है भाई ओट की के लिए तुम लोगों को सिंपली नेदर गेम के जो वेबसाइट है उस पर जाके तुम लोगों को ओट करना होगा। यूट्यूब पे सर्च करोगे तो यूट्यूब पे तुम लोगों को बहुत से वीडियो मिल जाएंगे। बाकी यहाँ से मैं सोच रहा हूँ कॉमन क्रिएट से स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास तीनों भी क्रिएट यहाँ पर की है, तो कॉमन से स्टार्ट कर देंगे हम सिंपली। तो सबसे पहले इसको ओपन क्रिएट कर देंगे एंड क्या मिलता है देखते हैं। एंड कुछ अच्छा, ओ भाई यहाँ पर हम लोग, ओ भाई साहब लक शार्ड मिल गए हम लोगों को, जो कि इंक्रीज इसकी लेवल 5 है, मतलब ठीक ठाक ही है, मतलब 50K में यहाँ पर आराम से ये भी जाएंगे। एंड दूसरा, अरे भाई साहब क्या ही गंदी चीज़ मिली यार, ये नेदर रॉड मिले, मतलब गंदी चीज़ नहीं, ये भी फार्म आपले जो फार्म रहता है वो बनाने में काम में तो आएंगी, ठीक है। बाकी अब आ जाते हैं हमारे रेयर क्रेट पे। रेयर क्रेट पर थोड़ा कॉमन जो क्रेट होती है उससे थोड़ा ज़रा यहाँ पर ज़्यादा, यहाँ पर ज़रा मतलब जो भी एक्सपेंसिव चीज़ें होती है वो मिलते हैं। एंड अब देखते हैं यहाँ पर क्या मिलती है। ओ भाई यहाँ पर ये क्या मिल गया भाई, ट्रिप हुक, ओ कॉमन की, व्हाट द हेल ब्रो, हम लोगों को 5 कॉमन की फिर से मिल गए, मतलब जो हमने अभी कॉमन की जो जितनी भी की थी हमारे पास वो डबल से हमारे पास 5 आ गए थे, मतलब उसकी भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एंड अब देखते हैं यहाँ पर क्या मिलता है हम लोगों को, फिर से एक बार करते हैं। एंड अभी भी हम लोग हमारे पास 3 रेयर की गए मतलब की है, ठीक है। अरे भाई अभी ये लास्ट है, एंड लास्ट में अच्छी यार यहाँ पर नेदर वॉट एंड हम लोगों को पाउच मिल गया, इतना कुछ ज़्यादा यहाँ पर मिला नहीं है, एंड उसके साथ यहाँ पर कैरेट मिल गया, ठीक है। अब आते हैं हमारे जो मैथिक क्रेट है, मतलब ये रेयर एंड कॉमन, इन सबसे बोले तो ज़्यादा सबसे ज़्यादा सबसे एक्सपेंसिव और सबसे महंगी चीज़ बोले तो इसी में मिलती है। एंड इसमें से मिली भाई साहब शार्ड, और भाई साहब हम लोग डायरेक्ट 4,300, मतलब नहीं नहीं बोलो 4.5 लाख में तो आराम से वो एक शार्ड बिक जाएंगी भाई साहब, ये देख रहे हो तुम लोग फ़ायदा। एंड ये बंदे क्या है, इसको साइड में रखते हुए चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। एंड तुम लोग याद होगा हम लोगों को यहाँ पर अभी 5 कॉमन की और मिली है, तो इसको भी 5 कॉमन की को हम ओपन करते हैं, देखते हैं इसमें से भी हम लोगों को क्या मिलता है। तो फर्स्ट तो ओपन कर दिए यहाँ पर फर्स्ट की, एंड यहाँ पर क्या मिलता, ओ भाई साहब भाई फिर से हम लोग बस 3 रेयर की हो गए भाई साहब, क्या आज के पूरे वीडियो में बस इतना ही सारे के सारे ओपन क्रिएट ही यहाँ पर खोलने हैं क्या यार। बाकी ये मिले हैं तो इसको भी यहाँ पर यूज़ करते, तो अभी देखते हैं यहाँ पर 3 में से क्या मिलता है। बस आई होप कि यहाँ पर कुछ थोड़ा लक्की वगैरह सामान मिल जाए। ओ भाई साहब फिर से यार भाई फिर से कॉमन, 5 कॉमन की फिर से मिल गई वापस हम लोगों को, बाकी बढ़िया बात है। एंड कुछ अच्छा मिल जाए भाई, और क्या मिलता है, अरे भाई शुगर केन मिली, इतनी कुछ खास नहीं है, ये भी हमारे जो फार्म रहता है वो बनाने में यहाँ पर यूज़ आएंगी। बाकी यहाँ पर चलते हैं अभी कॉमन क्रेट पे, एंड इस बार भी मिल जाए तो भाई मज़ा आएगा। इस बार बस मैटी की जो क्रेट रहती है उसके भाई 5 नहीं तो 3 मिल जाए यार, नंबर एक, अरे शार्ट मिल गई शार्ट, जो कि हम लोगों को 5 इंक्रीज लक शार्ट मिली है, जो कि 5K में जाएंगी, मतलब दोनों मिला के 1 लाख रुपये तो आ जाएंगे, ठीक है। एंड इतना कुछ खास तो यहाँ पर मिला नहीं, बाकी चलते हैं यहाँ पर अभी। एंड ये देख सकते हो तुम लोग यहाँ पर हमारे पास इतने क्रेट वगैरह तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पर कुछ इतना सामान मिल गया है। एंड उसके साथ एमरल्ड किट मिली थी, जो कि मुझे देखना था एमरल्ड किट में एक्चुअली में क्या मिलता है। तो यहाँ पर वो भाई 5 एंडर पर्ल, 3 इंचार्टेड एप्पल एंड उसका 20 गोल्डन एप्पल मिल गए। एंड बाकी तो कबाड़ है भाई, इसको साइड में रख दो। एंड यहाँ पर देख सकते हो तुमने लास्ट एपिसोड मैंने आयरन गोलम बनाने के लिए कुछ ज़्यादा यहाँ पर मैंने कॉर्ड्स वगैरह जमा कर दिए, तो आज वो आयरन गोलम में तो इतने ज़्यादा काम में नहीं आए, लेकिन आज यहाँ पर घर बनाने के लिए काम में आएंगे, तो सारे कलेक्ट कर देते हैं। एंड आई थिंक इतने इनफ हो गए हमारे लिए घर बनाने के लिए, ज़्यादा मैं बड़ा नहीं बना रहा क्योंकि अभी यहाँ पर छोटा ही बनेंगे, बाद में भाई साहब फुल किंगडम बनाएंगे, ठीक है। बाकी सीरीज को तुम लोग प्यार देना, बाकी देखो आगे हम करते हैं क्या, ठीक है। एंड यहाँ पर तो यहाँ एक दिक्कत हो गई गाइज, यहाँ पर ना देखो तुम लोग ये यहाँ पर मतलब जो एक मॉडर्न हाउस बनाने के लिए जो हम लोगों को ये लगता है क्या बोलेंगे यार उसको, हाँ कॉन्क्रीट, हाँ कॉन्क्रीट पाउडर या फिर कॉन्क्रीट ब्लॉक जो भी बोलोगे वो यहाँ पर मिल नहीं रहा, ठीक है हम लोगों को। और ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात है, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों को कौन सा भी यहाँ पर कॉन्क्रीट का ब्लॉक वगैरह नहीं है, बाकी क्ले वगैरह है, लेकिन क्ले से उतनी कुछ ज़्यादा लुक यार आएगी नहीं, साफ सीधे दिखेंगे क्लो है बोल के, बाकी ये तो हम लोग यूज़ नहीं करेंगे इसके लिए। एंड यहाँ पर नहीं है भाई, पूरा यहाँ पर हम पूरा शॉप चेक कर डाला, बाकी यहाँ पर ये बड़ी दिक्कत की बात हो गई। एंड कहीं में नहीं है भाई साहब, ये अवगढ़ हो गया हमारे लिए। अब मॉडर्न हाउस में तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्क्रीट, एंड वो भी हम लोगों को 200 चाहिए भाई साहब, ठीक है। कॉन्क्रीट पाउडर 200 चाहिए, एंड जो हमारा नॉर्मल कॉन्क्रीट होता है वो 200 चाहिए। एंड अभी देखते हैं यहाँ पर, हाँ ठीक है, यहाँ पर क्राफ्टिंग टेबल पे हम लोगों को सर्च करके देखते हैं भाई साहब, यहाँ पर भी नहीं आ रहे, क्राफ्ट टेबल में आती है क्या। ओ भाई यहाँ पर आ गए, ओ शेट ब्रो, यहाँ पर हम लोगों को सैंड एंड ग्रेवल चाहिए होगा जिससे हम यहाँ पर कॉन्क्रीट बना सकते हैं। तो ग्रेवल एंड सैंड तो आई थिंक यहाँ पर मिली जाएगा हम लोगों को शॉप में। एंड यहाँ पर होता है कि हाँ यस, ग्रेवल एंड सैंड दोनों भी है, एंड डाई भी हम लोगों को डेकोरेशन वाली जो ऑप्शन रहता है उसके अंदर भी हम लोगों को डाई का ऑप्शन में मिल जाएगा। एंड उसी के साथ हम लोग कौन से भी कलर का यहाँ पर ये बना सकते हैं भाई साहब, 5,200 नहीं चाहिए, बस 200 चाहिए, इसको बाय कर देते हैं एंड डन ब्रो।
अब भाई सब ग्रेवल तो हो गई, बाकी सैंड वगैरह मैंने यहाँ पर मतलब जो भी बाइक करके यहाँ पर रख दिया था। एंड सबसे बड़ी दिक्कत की भाई साहब है, अब इन सारे को यहाँ पर कंक्रीट में बदलना है, एंड उसी के साथ इनको बदल के यहाँ पर पूरे के पूरे ब्रेक करना है। भाई साहब एक दो स्टैक भी नहीं, हम लोगों को एटलीस्ट यहाँ पर 4 स्टैक तो यहाँ पर लगेंगे। तो मैं यहाँ पर सारा के सारा काम कर देता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगना है। पूरा का पूरा सामान कलेक्ट करने के बाद ही तुमसे मिलता हूँ, ठीक है? सो ओके गाइस, फाइनल यहाँ पर मैंने पूरा के पूरा सामान कलेक्ट कर चुका हूँ। जैसे कि तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर मेरे चेस्ट में, ये देख सकते हो तुम लोग, कुछ ज़्यादा ही मैंने यहाँ पर सामान वगैरह यहाँ पर जमा कर दिया है। और भाई साहब बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है, तो इस मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना, एंड चैनल पर लिए तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना यार। बस यही गेम प्ले वीडियो नहीं, मैं और भी यहाँ पर न्यू गेम प्ले वीडियो भी यहाँ पर ट्राई करता रहता हूँ, तो वो भी उसको भी देखते रहना। एंड बाकी अभी चलते हैं यहाँ पर मेंशन पे, यहाँ पर मैंने थोड़ी बहुत आउटलाइन वगैरह बनाई वाली है जो कि तुम लोग देख सकते हैं। एंड इसका अगर तुम लोगों को फुल ट्यूटोरियल वीडियो चाहिए होगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बता देना, इसका पूरा के पूरा ट्यूटोरियल वीडियो मैं तुम लोगों को दे दूंगा। बाकी अभी हम फास्ट फॉरवर्ड में इस पूरे के पूरे घर को बनाते हैं, एंड उसके बाद में तुम लोगों को मिलता हूँ पूरा के पूरा घर बनाने के बाद। लेट्स गो गाइस, पूरा के पूरा यहाँ पर गन बन के तैयार हो चुका है, और तुम लोग देख सकते हैं भाई साहब क्या ही मस्त लग रहा है यार। एंड ये रहा हमारा छोटा सा मिनी सा मॉडर्न हाउस, जो कि तुम लोग देख सकते हैं कुछ ज़्यादा यहाँ पर प्यारा लगा है, एंड इसको बनाने में कुछ ज़्यादा यहाँ पर मेहनत लगी है। एंड इसी के लिए यहाँ पर वीडियो भी थोड़ी बहुत लेट हो चुकी होगी, जिसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। बाकी तुम लोग देख सकते हैं मेंशन कुछ ज़्यादा यहाँ पर बढ़िया लग रहा है। एंड बाकी चलते हैं अभी तुम लोगों को अंदर से बताऊँगा, बाहर से सबसे पहले तो बाहर से देखो भाई साहब, ये देखो एंट्री पे हम लोगों ने यहाँ पर पूल वगैरह लगा दिया है। एंड नॉर्मली बंदा यहाँ से मतलब जा नहीं सकता, जो कि प्रो होगा मतलब नूब होगा तो यहाँ पर ही गिर जाएगा, लेकिन प्रो होगा तो यहाँ से तुम लोगों को सिंपली 3 ब्लॉक के यहाँ पर जंप लगाना होगी कुछ इस तरीके से। एंड बाकी नूब बंदे तो यहाँ पर क्रॉस करके नहीं जा सकते, जो कि ऐसा गिर जाएंगे। एंड बाकी ये नहा वगैरह भी सकते हैं हम, ठीक है, बाट भी हो जाएंगे। जो भी नूब वगैरह बंदा होगा ये साइड से आ सकता है बड़े आराम से। यहाँ पर देख सकते हो मैंने कॉन्क्रीट का पूरा ही पूरा यहाँ पर पात वगैरह बना दिया है, एंड अंदर से पूरा ही पूरा अभी घर खोखला है, ठीक है, अंदर से यहाँ पर पूरा का पूरा हमारा घर खोखला है। क्योंकि अगले एपिसोड में तो नहीं यार, मैं ऑलरेडी यहाँ पर इसका पूरा पूरा इंटीरियर डिज़ाइन यहाँ पर कंप्लीट कर दूंगा, एंड उसके बाद तुम लोगों को अगले एपिसोड में दिखाऊंगा यहाँ पर पूरा पूरा इंटीरियर डिज़ाइन। एंड उसी के साथ तुम लोग देख सकते हैं हमारे बैक का साइड जो कि हमारे घर का है, एंड बैक से भी हमने इसको एंट्रेंस दी हुई है, मतलब यहाँ से भी आ सकते हैं। ये सर्वाइवल सीरीज़ नहीं है, क्योंकि ये नेदर गेम का स्काइप लग है, तो यहाँ पर नॉर्मली मॉब स्पॉन भी नहीं होते, यहाँ पर स्पॉनर रहा तो यहाँ पर स्पॉन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पीछे से मॉब वगैरह तो यहाँ पर डर है ही नहीं हमारे आइलैंड। बाकी अभी तुम लोग देख सकते हैं ऊपर जाने के लिए तो हम लोगों को अभी पानी लगा कर ही जाना होगा, लेकिन हम यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर मतलब सीढ़ी वगैरह लगाएंगे बाद में, वहाँ पर हम इंटीरियर डिज़ाइन के साथ ही इसको पूरा पूरा डिज़ाइन कर देंगे। एंड ये देख सकते हैं सामने छोटी सी हमारी बालकनी वगैरह है, जिसमें हम लोग आगे चिल वगैरह कर सकते हैं। साइड में देख सकते हैं थोड़ा बहुत एरिया यहाँ पर भी स्पेस मैंने छोड़ा हुआ, और बैक साइड तो तुमने देख ही लिए नीचे से ही। एंड ये देख सकते हो साइड में भी हमने 2 डोर ऑलरेडी लगा दिए, जिसके अंदर एक बेड भी है। अब बेड ना होता तो ये घर कुछ काम का नहीं होता, ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर बेड भी लगा दिए। एंड ये देख सकते हो कुछ इतना लग रहा है, बाकी सारा खोखला है अभी, कुछ इतना ज़्यादा अपग्रेड वगैरह नहीं करा। बाकी हम लोग अगले एपिसोड में इसको पूरा पूरा इंटीरियर डिज़ाइन करेंगे। एंड अरे भाई साहब यहाँ पर MLG वगैरह भी कुछ ज़्यादा यहाँ पर देख के करना पड़ेंगे हमको, क्योंकि यहाँ पर पूरा पूरा कंक्रीट का पाथ बना है जो कि कंक्रीट पाउडर का है, ठीक है, बाद में कंक्रीट में वो कन्वर्ट होगा, तो वो ज़रा देख के यहाँ पर हम लोग करना पड़ेंगे। एंड फाइनल लुक देख सकते हो हम लोग, तुम लोग यहाँ पर कुछ इस तरीके से लग रहा है हमारा पूरा के पूरा हाउस, ठीक है। बाकी मुझे तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगा, अगर तुम लोगों को अमेजिंग लगा तो प्लीज़ से लाइक कर देना। अगर तुम लोगों को इसका ट्यूटोरियल वीडियो चाहिए होगा तो मुझे कमेंट में बता देना, बाकी मैं तुम लोगों को एक बड़ा सा वीडियो इसके लिए लेके आऊँगा, ठीक है। एंड ये भाई मुझे बेस्ट लगा जो बैक की एंट्री है, मतलब राइट साइड फ्रंट बैक भाई सबसे हमने यहाँ पर एंट्रिया वगैरह निकाली, सबसे यहाँ पर हमने दरवाजे निकाले, बंदा कहाँ से भी कहीं से भी घुस सकता है, ठीक है। एंड यही था हमारा पूरा का पूरा घर। एंड उसी के साथ यहाँ पर घर बनाते बनाते तुम लोग देख सकते हैं यहाँ पूरा पूरा जितना भी यहाँ पर हमारा ये जो आयरन वाला फार्म है, यहाँ पर मैंने 4 चेस्ट लगा दिए भाई, एंड चारों के 4 यहाँ पर फुल हो चुकी है, ठीक है।
एंड अभी हमारे पास जितना भी पैसा है वो सबसे पहले तो डिपॉजिट कर देते हैं, यहाँ पर डिपॉजिट कर देंगे ये भी एंड 32। बाकी ये डिपॉजिट मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर टोटल अमाउंट हमें पता चलेगी, जो भी हमने चार्जेस भरी है पूरे पूरे आयरन से हमें टोटल पैसा कितना मिलता है। ठीक है, तो अभी आ जाते हैं एंड तुम लोग सबसे पहले तो यहाँ पर तुम लोगों को दिखा देता हूँ कि मैं यहाँ पर ये देख सकते हो, ये मतलब ज़्यादा उतनी नहीं है, बस एक लेयर ऊपर की, मतलब ऑलरेडी यहाँ पर फुल हो ही चुकी है। ठीक है, यहाँ पर हॉपर वॉकर हॉपर में भी यहाँ पर 5 स्टैक तो आराम से बैठ ही जाते हैं। ठीक है, मतलब 4 चेस्ट हमारे कहने का मतलब है कि 4 चेस्ट यहाँ पर हमारे भरी हुई। सबसे पहले तो ये ऊपर के यहाँ का खाली कर देते क्योंकि यहाँ पर कुछ ये है एंड अभी यहाँ पर सारा सेल कर देते हैं आइटम एंड ये वाली तोड़ो भाई साहब, पहले तो ये वाली तोड़ो। अरे भाई साहब ये देखो क्या ही कुछ ज़्यादा यहाँ पर आयरन की बरसात हो गई, तो मैं सारा सेल करता हूँ उसके बाद तुम लोग खुद दिखाता हूँ पूरा। ऑल राइट, ये लगा देते हैं यहाँ पर हॉपर एंड इसके साथ यहाँ पर आ रहे आयरन। ठीक है, तुम लोग देख सकते हैं हमारे पर्स में कुछ ज़्यादा यहाँ पर पैसे वगैरह भी यहाँ पर हो गए एंड ये भी बेचते हैं बचा हुआ भी एंड फाइनल तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास 6,90,000 रुपये आ चुकी, मतलब 6,19,000। ठीक है, एंड इसको भी यहाँ पर डिपॉजिट कर देंगे हम 6,00,000, मतलब चार चेस्ट में यहाँ पर हम लोगों को 6,00,000 के अराउंड यहाँ पर पैसे निकल जाते बड़े आराम से, जो कि एक है और नंबर ऑफ वन है। ठीक है, हम जब नंबर ऑफ 4 आयरन गोलम की फॉर्म बनाएंगे तुम लोग अंदाज़ा लगा सकते हो भाई सब कहाँ पैसे जा रहे हैं। ठीक है, एक दिन के अंदर बस ये आयरन गोलम की बात चालू है, तुम लोग देख सकते हो। उसी के साथ हमारे जो बैंक है उसमें 5,000,000 टोटल यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, मतलब बस 3-4 एपिसोड में हम लोगों ने 5,000,000 तक पैसे कमा चुके हैं। उसी के साथ हमारा एक घर भी रेडी है। ठीक है, एंड बाकी तुम लोग देख सको उसी के साथ हमारे पास ये जो शार्ट वगैरह भी है 4,00,000 की, ये देखो 2,50,000 18,00,000 मतलब 1,80,000 इतने में तो ये आराम से भी जाएंगे। ठीक है, इससे भी नहीं बोलेगी तो 1,000,000 तक तो आराम से आँखें मूंझ के आ जाएंगे। ठीक है, एंड इसी के साथ हम लोगों को यहाँ पर फिर से मैं लॉबी में आ चुका है क्योंकि यहाँ पर जब घर वगैरह तोड़ते को तो मतलब जो भी यहाँ पर एक्स्ट्रा यहाँ पर ब्लॉक लग रहे थे उसको तोड़ने के बाद भी हम लोग यहाँ पर थोड़े बहुत की वगैरह ओपन हो चुकी है। तुम लोग देख सकते हो सिंपली यहाँ पर 2 कॉमन किए हम लोग और इससे बड़ा अच्छी चीज़ मिल जाए यार। अरे भाई क्या गंदी चीज़ मिली यार, छोड़ यार। दूसरा हमारे पास एक और है तो इसको भी स्पिन कर देते हैं, यहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ मिल जाए यार बस। नेदर रॉड यार, छी यार क्या गंदी चीज़ें दे रहे हैं यार। ऑलरेडी एक स्टार हमारे चेस्ट में पड़ा हुआ है, बाकी रेयर क्रिएट की भी होगी शायद से हमारे पास एंड हाई के ओ भाई है। ठीक है, यहाँ पर 2 है हमारे पास तो इसको स्पिन करते हैं देखते क्या मिलता है। तो ओ भाई यहाँ पर फिर से यार एक मनी के मतलब मनी पाउच मिल गया हम लोगों को, बाकी मनी पाउच ओ भाई 2,000 का यहाँ पर मनी पाउच है एंड कुछ अच्छी चीज़। ओ भाई यहाँ पर बुक मिली भाई, कौन सी कॉमन भाई, छी यार क्या, मुझे लगा यहाँ पर रेयर वगैरह मिलेंगे हमको, लेकिन कोई बात नहीं हमारे पास एक और मैथ्यू क्रिएट किए। ठीक है, बस इसमें मैं दुआ कर रहा हूँ यहाँ पर मैथ्यू की इंचार्टमेंट बुक मिल जाए भाई साहब प्लीज़ यार प्लीज़। यहाँ पर सबसे पहले देखो क्या एक्सपेंसिव चीज़ है, यहाँ पर देखो इंचार्टेड बुक मैथ्यू इंचार्टमेंट बुक रेयर इंचार्टमेंट बुक यहाँ पर देख सकते हो, लेजेंड किट है। ठीक है, एंड उस साथ यहाँ पर मनी पाउच की भी देखो यहाँ पर लिमिट देखो भाई साहब 40,000 तक यहाँ पर खुल सकता है, तो भाई प्लीज़ यहाँ पर इंचांटमेंट बुक मिल जाए तो भाई साहब बढ़िया होगा। ओ भाई साहब फाइनली ब्रो मिल गई ब्रो, सही में यार फाइनली लेट्स गो, इंचांटमेंट बुक मिल गई हम लोगों को पहली हमारी जो कि है मैथ्यू की, एंड मैं तुम लोगों को इसका अंदाज़ा नहीं बोले 3,000,000 में तो आराम से बिक जाएंगे। बाकी हम लोग नेक्स्ट एपिसोड को हम लोग इसको ऑक्शन में डालने वाले जो कि एटलीस्ट 4,000,000 to 5,000,000 हो जाएंगे भाई सब। लेकिन मिल गए यार मैथिकल इंचांटमेंट बुक, रेयरली यहाँ पर मिलती नहीं है, सही बता रहा हूँ तुम लोगों को यहाँ पर नहीं मिलती एंड ऑक्शन हाउस में भी तुम लोगों को ज़्यादा ये बुक देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए कुछ ज़्यादा यहाँ पर रेयर है, इसके चांस भी 3% है ऑनलाइन। ठीक है, 3% एंड एज में तुम लोग मतलब ऑक्शन हाउस में तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर बहुत से यहाँ पर रोज यहाँ पर बुक आते हैं, लेकिन ये जो इंचांटमेंट बुक है वो यहाँ पर तुम लोगों को ऑक्शन हाउस में भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए ये इस चीज़ में खुद अपने आप ही यहाँ पर रेयर बना देती है एंड यहाँ पर हम लोग इसको अगले एपिसोड में बेचेंगे। तो अगला एपिसोड ज़रूर से देखना, मिस बिल्कुल भी मत करना, ज़रूर से देखना अगला एपिसोड, कुछ ज़्यादा ही धमाकेदार एंड सुपर डुपर होने वाला है। तो ठीक है, अगला एपिसोड ज़रूर से देखना एंड उसी के साथ यहाँ पर हम लोग भाई साहब मैं इसको यहाँ पर प्राइवेट वर्ल्ड में रखने वाला P1 एंड अरे भाई साहब ये देख सकते हो मैंने यहाँ पर प्राइवेट वर्ल्ड में कुछ ज़्यादा यहाँ पर भसड़ मचा लिए, तो ये सारे को यहाँ पर बाहर निकाल देते हैं ना, अपनी जो इंचांटमेंट बुक है जो कि मैथिकल इंचांटमेंट बुक है इसको यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। ओके डन भाई साहब, सही में मज़ा आ गया आज के एपिसोड में। बाकी तुम लोगों को कैसा लगा एपिसोड कमेंट में ज़रूर से बता देना एंड इसका ट्यूटोरियल वीडियो भी चाहिए होगा तो कमेंट में बता देना। बाकी ये भाई वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल पर हो तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना यार एंड मैं मिलता हूँ तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग एंड बाय बाय।